हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन बैंकिंग पे। उम्मीद है सभी अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। जितने भी एस्पायरेंट 2023 में चाहे आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करने वाले हो, चाहे आप SSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके मन में NRA CET रिगार्डिंग डाउट जरूर बन रहा है कि क्या ये इंप्लीमेंट होगा। तो रिसेंटली एक ऐसा न्यूज आया है, एक ऐसा अपडेट आया है जिससे शायद से आपकी क्लैरिटी ज्यादा मिल रही होगी। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आपको बता दूं कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपके साथ डेली बेसिस पे मैं टेलीग्राम पे डेली का टारगेट PDF शेयर कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से, जहाँ पे आपको सिंप्लीफिकेशन, मल्टीप्लीकेशन, स्क्वायर क्यूब से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे होते हैं डेली बेसिस पे। विद टाइमर भी आपको बताया जाता है कि इतने टाइम ड्यूरेशन में आपको ये सारी चीजें कवर करनी है। तो अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाके ज्वाइन कर ले, और चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके जाना। अब देखो, NRA CET जब आपने 2022 की जितनी भी नोटिफिकेशन देखी थी, वैसे तो ये 2021 से सुनने को मिल रहा है कि 2021 में आएगा, नहीं आया, फिर 2022 में भी देखने को मिला, नहीं आया, लेकिन 2022 की जितनी भी वैकेंसीज आई थी बैंकिंग एग्जाम की, आपने उसमें देखा था स्टार मार्क करके लिखा हुआ था जितने भी क्लैरिकल कैडर के एग्जाम थे आपके, फॉर एग्जाम्पल जैसे RRB क्लर्क, IUPS क्लर्क, इन सभी में आपने क्या देखा था कि वहां पर स्टार मार्क करके लिखा हुआ था कि अगर NRA CET इंप्लीमेंट होता है तो आपका इन एग्जाम्स में इंप्लीमेंट होगा। That means, जितने भी क्लैरिकल पेपर थे वो सारे के सारे NRA CET में आने थे डेफिनेटली। तो अगर बैंकिंग एग्जाम का क्लैरिकल आएगा तो ऑब्वियसली बात है SSC का भी आएगा, और 2023 में इसकी परसेप्शन और ज्यादा बढ़ गई इसलिए क्योंकि जब से SSC CGL की नोटिफिकेशन आई थी और उसमें उनके सिलेबस पिछले 10-12 सालों से जो चेंज नहीं हुई थी वो अचानक से पूरी की पूरी उन्होंने सिलेबस चेंज कर दी, तो तब से एक परसेप्शन ऐसा और भी देखने को मिल रहा था कि मोस्ट प्रोबेबल 2023 में आपको NRA CET देखने को मिलेगा। लेकिन 2-3 दिन पहले SSC CHSL की नोटिफिकेशन आई है जो कि क्लरिकल कैडर का एग्जाम है, आपको ही पता है। तो अगर SSC अपना CHSL का एग्जाम इंडिविजुअल निकाल रहा है और उसमें अगर आप उसकी पूरी नोटिफिकेशन पढ़ते हुए पढ़ोगे तो आपको उसमें देखने को मिलता है कि उन्होंने प्रीलिम्स का अलग स्ट्रक्चर, जो SSC CGL का स्ट्रक्चर था ऑलमोस्ट उन्होंने सेम कर दिया है, कुछ छोटी बड़ी चेंजेस है बट वो ज्यादा SSC वाला पैटर्न ही है, उसमें कुछ ऐसा चेंज नहीं हुआ, किसी में 5 क्वेश्चन कम करके टाइम बढ़ा दिया गया, बस यही चेंज है। तो अगर SSC का क्लरिकल कैडर का पेपर इंडिविजुअल SSC ही कंडक्ट करवाएगा तो डेफिनेटली है कि 2023 में जो बैंकिंग एग्जाम के भी पेपर हो रहे होंगे, ऑफिसर वाले पेपर में तो कोई दिक्कत परेशानी पहले से भी नहीं थी और कंफ्यूजन नहीं था, वो आपको इंडिविजुअली पेपर कंडक्ट करवा रहे होंगे, लेकिन जो प्रॉब्लम थी वो क्लरिकल कैडर में थी NRA CET के लिए। तो अगर SSC पेपर अलग करवा रहा है तो डेफिनेटली बैंकिंग एग्जाम भी आपका अलग पेपर ही करवा रहा होगा। तो 2023 में आपको RRB क्लर्क, IUPS क्लर्क की भी वैकेंसी IUPS के थ्रू ही होते हुए देखने को मिल रही होगी। तो जितने भी बच्चे इस परसेप्शन, इस कंफ्यूजन में थे कि क्या मैं किस तरीके से तैयारी करूं, सिलेबस क्या होगा नहीं पता, अभी तैयारी कुछ कर रहे हैं सिलेबस बाद में चेंज हो जाए, तो बिल्कुल नहीं, आपकी जो तैयारी पिछले आप कुछ दिनों से करते आ रहे हो, जो आपका पैटर्न था प्रीवियस ईयर का, उसी पैटर्न पे आपको प्रैक्टिस करनी है क्योंकि उसी पैटर्न पे आपका मोस्ट प्रोबेबल एग्जाम हो रहा होगा। अब ऑल ऑफ द सडन आउट ऑफ द ब्लू कुछ ऐसा निकल के आ जाए तो फिर कहना इम्पॉसिबल है फिर तो, क्योंकि वो गवर्नमेंट का ही पूरा उसमें गेम है। बट जिस तरीके से SSC का क्लरिकल कैडर अलग कर दिया गया तो डेफिनेटली बैंकिंग को भी, क्योंकि अब अगर SSC का क्लर्क अलग कर रहे हो तो बैंकिंग वाले को किसके साथ लेके जाओगे, रेलवे के साथ लेके जाओगे, या आप बोलोगे कि बैंकिंग वाले का अलग NRA CET करवाते, फिर CET का मतलब ही था कि कंबाइंड टेस्ट लेना था उनको, तो SSC ने अलग कर दिया तो डेफिनेटली बैंकिंग का भी पेपर अलग ही हो रहा होगा। SSC CHSL कुछ दिनों से डिले चल रहा था तो ये ज्यादा और परसेप्शन था कि नहीं, हो सकता है कि CHSL जनवरी में आए और IUPS कैलेंडर से पहले कुछ ऐसा मिक्सअप देखने को मिलेगा, बट अब ऐसा श्योरिटी लग रहा है कि जो IUPS का कैलेंडर है वो आपको 15 to 20 के बीच में जो रेगुलरली हमें हर साल देखने को मिलता है उसी तरीके से देखने को मिलेगा, और उसमें और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि हमारा RRB क्लर्क, IUPS क्लर्क कब हो रहा होगा। ठीक है, ये एक छोटी सी नोटिफिकेशन थी आपके साथ शेयर करनी थी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो दोस्तों तक जरूर शेयर करना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, सो दैट कि जितनी भी क्लासेस की नोटिफिकेशन होती है और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम पहुंचाई जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।